आपने? जय जोहार। आज दिखाएंगे बस्तर का एक ऐसी जगह जहाँ देखेंगे आप तो खुश हो जाएंगे और बहुत लुभावनी जगह है वो। हम लोग आज वहीं आए हुए हैं, हमारे साथ में हमारे मित्र लोग हैं और हमारे चैनल में बने रहिए, आखिरी तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेके चलते हैं हम एक ऐसी जगह जहाँ एक मनमोहक जगह है, वहाँ पर बहुत मतलब अच्छा जगह है, अपना जीवन चरित घूम पिकनिक विकनिक कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। और जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूरी में बसा हुआ है। तो चले आगे बढ़ते हैं। ये टिकट काउंटर है और हमारे यहाँ से टिकट ले रहे हैं दोस्तों लोग। मैडम टिकट कितना है रेट? 10 रुपये की टिकट है बोल रही मैडम। एक 10 रुपये और 3 का 30 रुपया है ना। हाँ देखो, 1 का 10 रुपये है और 3 का 30 रुपये लेते हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ पे सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। चले, ये जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है और जो रहते हैं इनका कल्चर वो फसाया हुआ है अंदर में, ये दिख रहा है आपको। साथी लोग भी पहुँचे हैं वहाँ पे। आगे दोरला पारा है, आगे दोरला पारा है साहू जी, आगे दोरला पारा है। और ये बांस का जो बनाया है ना बाउंड्री है ना जी, घेरा जैसे बोलते हैं। हाँ। बहुत अच्छा है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस्तर जनजातीय जीवन चित्रण, ये है बस्तर जनजातीय जीवन चित्रण। और आज हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये बना हुआ है आसना में और बहुत अच्छा है। आप यहाँ आगे देख सकते हैं जो बस्तर के जनजाति हैं उनका चित्रण के बारे में बताया गया है। और ये टिकट काउंटर है, आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दिखा रहे हैं वीडियो आपको। यहाँ पे जो बना गया है जनजाति चित्रण बताया गया है इसमें। आपका माड़िया जाति, देखिए माड़िया जाति का दिखा है यहाँ पर सामने में। माड़िया जाति का जो जीवन यापन है, कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका जो घर बना के वहाँ पर दर्शाया गया है। और एक है ध्रुवा जाति, ध्रुवा जाति का भी यहाँ पे है। तो आपको दिखा रहे हैं आपको ध्रुवा जाति का कि ध्रुवा जाति कैसे बस्तर में रहते हैं, कैसे जीवनयापन करते हैं और किस टाइप के रहते हैं घर उनका, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। ये ध्रुवा जनजाति और इसमें लिखा हुआ है बस्तर सुकमा दंतेवाड़ा से उड़ीसा सीमा तक कांकेर नदी कोलाब नदी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है ध्रुवा जनजाति। और इनका चित्रण किया हुआ है, देखिए इनके बना हुआ है गेट यहाँ पर बाँस का। और इसके अंदर चलते हैं, ये लोग किस तरह से रहते हैं बस्तर में, गांव में, ग्रामीण में, इस तरह से बताया गया है इसमें। देखिए लकड़ी का बनाया है, बाउंड्री किया गया है, ऐसे रहते हैं लोग। लकड़ी के बाउंड्री बना के घर को, एक घर रहता है उनका, देखिए घर इस टाइप का। और ये उनका देव झूलना बोलते हैं इसको, बेदी उलझाल देव झूलना ये है। और यहाँ पे मातागुड़ी, जो मातागुड़ी होते हैं वहाँ का देवी बात जो मानते हैं। हमारा जो बोला गया है गाँव में जो हमारा जो देवता होते हैं जिसको बोलते हैं, और देवता का पूजा किया जाता है। वहाँ पर मंदिर बनाया गया है, देखिए इस टाइप बनाया है, कोठा गाय का, इस टाइप के। यहाँ पे ध्रुवा जो जाति होते हैं बस्तर का उनको दर्शाया गया है यहाँ पे। ये देवलांडी ये है, ये टूट गया है, बनाया है इनको, दर्शाया गया इस टाइप का। देखिए इसके अंदर में जाएंगे तो बहुत सारा घर बना हुआ है, कैसे यहाँ के जनजाति लोग रहते हैं, ये सब बताया गया है यहाँ पे अंदर में। ये ध्रुवा जनजाति का देखो। हम ये जो हाँ चौपाल है वहाँ बैठना है 2 मिनट, चौपाल में बैठ के फोटो खिंचवाना है यहाँ पे। देखिए दे हाँ चौपाल है, सरपंच जी बैठे हुए दोनों पार का, सरपंच जी भद्रापारा का। और यहाँ आए हुए देखिए चौपाल में बैठे हुए नर्मदा जी। और ये आ रहा है इसके, देखिए हम है भद्रापारा में, ये दिख रहा है सामने में भद्रापारा है। और एक वहीं के निवासी है ये, पूछते हैं इसको आपको कैसा महसूस हो रहा है आपके जो भद्रापारा में रह के आके। बहुत ही शानदार जगह है, यहाँ बस्तर की सभी जनजाति हैं उनके विषय में मानचित्र के माध्यम से बताया गया है। हम पहुँचने वाले हैं दोरला पारा में और बहुत जल्दी वहाँ का लोकेशन दिखाएंगे कि जनजाति कैसे रहते हैं, साथ में हमारे दोस्त लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो आदिवासी को जो रहन सहन है वो भी दिखाएंगे आपको। ये डोरलापारा ऊपर की डोरलापारा में हम आ चुके हैं और यहाँ का जो आदिवासी कल्चर है वो बताएंगे आपको। देख रहे हैं इधर दिख रहे क्षेत्र जो बना हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा बना हुआ है, जो घर बना रखा है बहुत अच्छा बना है, देखिए। अब एक बात यहाँ खास बात यह है कि यहाँ का जो गेट बनाते हैं गांव का बहुत अच्छा बनता है, बांस बना रहता है, देखिए बांस बना है मस्त, इसको बोलते हैं द्वार गेट बोलते हैं, ये बांस बना है पूरा ये। अब इस घर में चले हम अंदर, चले बैठे अंदर, चलो चलो बैठो अंदर बैठो, इस घर में बैठते हैं है? चलो हाँ ये आ चुके हैं, देखिए देखिए ये है ट्राइबल डोरलापारा में देवगुड़ी ये घर, देखिए इस टाइप के बना हुआ है। अब एक खिड़की है उनका, हम खिड़की में दिखाते हैं, एक आया हुआ खिड़की में, देखिए यहाँ का निवासी है ये, है जी ध्रुवा जनजाति का हूँ, ध्रुवा जनजाति का है। ध्रुवा जनजाति बस्तर में काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ, और यहाँ का जो कल्चर है बहुत मानते हैं देवी देवता को, और यहाँ के जो हमारे होता है डोकरा देव, डोकरा बाबा वो बहुत ज़्यादा जो देव है यहाँ का उसको ज़्यादा पूजा किया जाता है, जैसे देवगुड़ी हो गया। आ गए ना सब, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ। आज हम आ चुके हैं डोरलापाड़ा में और यहाँ का जो कल्चर है वो बताएंगे हमारे सीताराम जी। सीताराम जी आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो आदिवासी ध्रुवा जाति होते हैं और मारे जाति होते हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद में। और वहाँ के जो हम लोग पेज तो दुर्लभ साहू जी, हम जब आए यहाँ पे तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ही शानदार अनुभूति हो रही है। और आपको नर्मदा जी? अच्छा लगा मेरे, अच्छा लगा ना, फर्स्ट बार मैं तो आया हूँ यहाँ। और निशा जी आपका जो ध्रुवा जनजाति है और मारे जनजाति जानते हैं आप, ये कौन सी जनजाति है? हाँ सर, कौन सी जाति है? ध्रुवा गौड़ जाति का ही एक गौड़ जाति है, और जो इन लोग गौड़ लोग अधिकतर सुकमा जिला हो गया, अब दंतेवाड़ा जिला हो गया, कोरापुर जिला हो गया, और बस्तर के इन क्षेत्रों में जो ध्रुव जनजाति होते हैं ये पाया जाता है। और जो मारिया होते हैं, जो गौड़ जनजाति होते हैं, भारत देश में हर जगह मिलता है, लेकिन अधिकतर जो मारिया जाति होता है या मारिया बोलते हैं गौड़ को, वो हमारे जो दंतेवाड़ा जिला, बस्तर जिला, कांकेर जिला और इस जिला में बहुत संख्या में लोग पाए जाते हैं। उन्हीं का चित्रण किया हुआ है यहाँ पे, जो हम आए हुए हैं आसना पार्क में। और उस चित्रण को देख के आपको कैसा महसूस हुआ सीताराम? बहुत अच्छा लग रहा है और आते रहिए यहाँ पे, और बस्तर जब भी आते हैं आप एक बार आसना पार्क जरूर आइएगा। और जो चित्रण बनाया हुआ है वो आसना पार्क में आपको बिल्कुल दिल को छूने वाले चित्रण है, जो आदिवासी लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे उसका चित्रण बनाया हुआ है, उसका जो घर बनाया हुआ है, जो यहाँ देवती देवता को मानते हैं, देवी गुड़ी को मानते हैं, जो डोंगर बाबा को मानते हैं, सब यहाँ बताया हुआ है कैसे रहते हैं, इनको कैसे पुल बनाते हैं यहाँ पे, कैसे जीवन यापन करते हैं। आपके आंसू से आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, देखेंगे इनको घर को, आदिवासी कल्चर को, तो बहुत अच्छा लगेगा। क्यों जी साहू जी? बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं साहू जी कुछ बोलिए आप? हाँ सर। आप कहाँ से आए हैं, परिचय दीजिए अपना। मैं रायपुर से आया हूँ, रायपुर से आए हैं, और यहाँ पे किस लिए आए हैं बताइए आप, पूरा विनर दीजिए, आपको कैसा लगा बस्तर का? एनएमडीसी नगरनार प्लांट में ऐसा वर्क के लिए आया हूँ, वर्क के लिए आए हुए, आज घूमने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। और चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ हिस्सा आपको और दिखाते हैं यहाँ का, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा सराई का पेड़ है ये, खुलेगा जी वो। चला बढ़िया है। चलावा। जनजाति होते हैं मुरिया, उसको बोलते हैं मुरिया, मतलब गोंड होते हैं, गोंड जो माना जाता है, गोंड जनजातीय, उसको बोलते हैं यहाँ पे मुरिया। और इसको जो बनाया गया है मुरिया पारा, तो आपको दिखा रहे हैं मुरिया पारा क्या जो जनजाति है, वो लोग कैसे रहते हैं बस्तर में, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। और इनका जो घर है, इनका कल्चर है, वो भी इसमें पूरा बताया गया है। देखिए, अरे एक कुरिया है, बोलते छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं कुरिया। रूम, ये रूम बना रखा है घर, और बांस का रूम, हाँ, ये चूल्हा बना हुआ है यहाँ पे। और ऐसे ही जीवन यापन करते हैं जो हमारे मारिया जाति होते हैं। ये चूल्हा रहता है और इनका घर है। देखिए घर, इस टाइप के घर में काटते हैं जीवन। हम बोलते हैं कि जो आदिवासी लोग बहुत सुख शांति से रहते हैं, लेकिन आपको जब आओगे यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे जीवन यापन करते हैं। देखिए इनका घर को देखिए, ये छत है इनका, छत में कब पानी नीचे आता है घर में पता नहीं चलता इनको। और चूल्हा देखिए, चूल्हा है और मिट्टी का घर बना हुआ है। इसको बोलते हैं डोट मचान। देखिए आपने नाम सुना होगा डोट मचान का, लेकिन देखा नहीं होगा। आपको दिखाते हैं हम डोट मचान। ये है डोट मचान। हाँ, अब डोट मचान के ऊपर चलते हैं हम यहाँ से। इनका सीढ़ी बांस बनाया रहता है डोट मचान में, और हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी। देखिए ये बांस का बना हुआ है। ये डोट मचान में हम चढ़ गए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जंगल को। देखिए ये जंगल से डोट मचान में आप खड़े होकर पूरा देख सकते हैं कि जंगल के जंगली जानवर और भालू से जो रहते हैं आदिवासी लोग, ऐसी बना के किए जाते हैं। देखिए डोट मचान, यहाँ में रात में रहते हैं, दिन में रहते हैं। चढ़ा ऊपर जी, जो माड़िया होते हैं उनके जनजाति दिखा इसमें बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, इन क्षेत्रों में बहुत संख्या में पाए जाते हैं माड़िया जनजाति। और ये जो लिखा है पूरा, इसको दो ब्यूरो दिया है, वस्त्र दिया है, पुरुष लंगोटी, पंछा, बंडी, ये सब पहनते हैं, यूज करते हैं। इनका आभूषण के बारे में भी दिया हुआ है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, सब इसके बारे में दिया हुआ है। खान पान की चीज़ें कोदो, कुटकी, चावल, भात, माड़िया, पेज, मुर्गी, मछली, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। माड़िया जाति का क्या है ये, कि इनका जो यूज करते हैं दिनचर्या है, उनके बारे में बताया हुआ है। अगर आप पिकनिक आना चाहते हैं तो धुरवा पारा में जो धुरवा ओले घर बना हुआ है, आप उसको किराए में ले सकते हैं और पिकनिक आ सकते हैं। आपको बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो दो बना हुआ है धुरवा ओलेक है ना, ये जो धुरवा ओलेक घर बना हुआ है, आप इसको रेंट में ले सकते हैं आप, और यहाँ पे खाना बना सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। अभी लाग लगा हुआ है ये, जैसे ही उसको पैसा देंगे किराए वाले को तो आपको चाबी दे देगा इनका। अब यहाँ पे खाना बना सकते हैं आप। और यहाँ पे जो ढेकी है, देखिए ये ढेकी कूट रहा है, कुटिए ढेकी कुटिए। देखिए आपको बता रहे हैं ढेकी कैसे कूटते हैं। जो ढेकी जो है हमारा कल्चर है, जो अभी आज भी चलता है, और जो कल्चर ढेकी का देखिए कूट रहे हैं, इसको बोलते हैं ढेकी, बोलते हैं ढेकी। देखना ना रे, छोड़ के तोला मैं कब नहीं जाऊंगा, छोड़ के तोला मैं कब नहीं जाऊंगा। बना हुआ है बाहर का ढेकी सेला, इसको बोलते हैं ढेकी सेला, ढेकी साल बोलते हैं। और चलते हैं मचान में, चलते हैं हम लोग मचान में जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं मचान की तरफ। हवा देखिए, एक पुल है, हम पुल पार करते हैं यहाँ से। ये पुल दिया हुआ है क्योंकि नीचे से नाला है, और पुल पार करके अंदर जा सकते हैं इस टाइप के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप फुल एंजॉय कर सकते हैं और आपको नए नए चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे आसना पार्क में। तो हम अपने फ्रेंड के साथ में आए थे यहाँ पे, और हमारे दोस्त थे जो रायपुर से आए थे, तो उसको दिखाने के लिए आए थे कि यहाँ का जो कल्चर है, हम आपको सुकमा तो ले जा नहीं सकते, लेकिन चलो आसना पार्क लेके जाते हैं आपको। और आसना पार्क में जो बना हुआ है जीवन चित्रण जनजाति का, वो दिखाएंगे आपको। तो आप यहाँ आके आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो बस्तर के जो जनजातियाँ हैं, आदिवासी है, ट्राइबल है, वो कैसे रहते हैं, किस टाइप के रहते हैं, वो यहाँ पे चित्रण किया गया है। उसके माध्यम से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि यह जो कल्चर है, यहाँ रहन सहन जो होता है उसके बारे में। तो हम आपको तो दंतेवाड़ा और सुकमा, नारायणपुर घुमा नहीं सकते, तो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं सुकमा, ले जा सकते हैं लेकिन आपको लेके चलते हैं हम लोग कहाँ पे, आसना पार्क में। तो आसना पार्क जगदलपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ बना हुआ है। तो हमने उनको यहीं पे लेके आए और दिखाया इनको, तो वो बिल्कुल 100% समझ गया कि यहाँ के जो जनजातियाँ हैं, ध्रुवा जनजातियाँ, माड़िया, और जो गांव के जो कल्चर है वो समझाया है यहाँ पे। वो समझ गया कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत, मतलब मांग के चलिए बहुत पिछला क्षेत्र है वो, और जो इनका जो जनजातियाँ हैं उनका विकास होना काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और इनके जो कल्चर है, इनको संस्कृति है, वो हम तो समझने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इतनी जल्दी हम समझ नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो बोली है वो हमारी बोली से अलग हट के है वो, तो इनकी बोली भी हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोलते हैं ये। तो इसके लिए जो सरकार है, इनके अधिनियम, एजुकेशन, रोजगार, ये सब ला रहे हैं गवर्नमेंट ने, सीजी गवर्नमेंट ने। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जगह जगह रोड भी बनाए हैं और स्कूल भी बनाए हैं और यहाँ तक पहुँचाया है वो। और ध्रुव जनजाति है, जो माड़िया है, गोंड है, और जो और जनजाति है, भादा जनजाति है, वो सब के लिए बहुत सरकार बहुत कोशिश कर रहा है इनको आगे बढ़ाने के लिए, और मैं उन सरकार को सलाम करता हूँ। और बस्तर बहुत आगे निकल चुका है, पहले एक बस्तर नहीं रहा, अभी एक नया बस्तर बन गया है। आप आगे देखिए यहाँ पे और नया चीज़ देखिए आगे, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ से चलते हैं हम लोग, आज आए थे यहाँ पे पिकनिक के लिए और घुमाने के लिए दोस्तों को, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। क्यों जी? यस सर, है ना, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और खूब एंजॉय हुआ। यहाँ पे लोग बार को देखने को मिला, यहाँ के जो आदिवासी जनजाति है उनको कैसे रहते हैं, कैसे क्या रहते हैं, झूला झूला है उनको। हाँ।